Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all you are fine at home. So it's your lecture number 2 for class 6 SST. In first topic we read about wind vane and wind gauge. Now the topic is thermometer. Taiye book kitab chalta thermometer ke topic. ओके तो स्टूडेंट इट्स योर टॉपिक थर्मोमीटर पेज नंबर 15 पेज नंबर 15 पे टॉपिक है थर्मोमीटर. यहाँ पे हम मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे. बट व्हाट इज थर्मोमीटर? थर्मोमीटर इज एक्चुअली अ डिवाइस विच मेजर टेम्परेचर. थर्मोमीटर एक्चुअली एक ऐसी डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को मेजर करती है. अगर हम बात करें थर्मोमीटर की तो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ थर्मोमीटर है, डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्परेचर मेजर करने के लिए. अलग अलग काइंड के टेम्परेचर होते हैं. अगर हम वेदर टेम्परेचर मालूम करें तो हमारे पास अलग थर्मोमीटर. हम बॉडी टेम्परेचर अगर मेजर करें तो हम अलग थर्मोमीटर यूज़ करेंगे. जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा अभी जब आप लोग स्कूल आ रहे थे तो आप लोगों का जो थर्मोमीटर से जो है टेम्परेचर मेजर किया जाता था, दैट्स कॉल्ड डिजिटल थर्मोमीटर. तो बहुत सारे थर्मोमीटर्स हम लोगों के पास मौजूद हैं जो कि हमारे हम नॉर्मली उससे अपना टेम्परेचर चेक करते हैं जब हमें बुखार होता है, दैट्स कॉल्ड ऑर्डिनरी थर्मोमीटर. तो डिफरेंट काइंड ऑफ थर्मोमीटर्स हमारे पास बहुत मौजूद हैं जिसको हम अपने ज़रूरियात के हिसाब से यूज़ करते हैं. अगर हम बात करें वेदर की तो क्या हम वेदर को इस थर्मोमीटर से नाप सकते हैं? बिल्कुल नहीं नाप सकते. जो हमारे नॉर्मली बॉडी मेजर करने का थर्मोमीटर है वेदर नहीं नाप सकते इस थर्मोमीटर से. या अगर हम बात करें, आप लोगों ने एक देखा होगा या उस वक्त के बारे में सुना होगा, एक थर्मोमीटर होता है वो जो है होता तो ऑर्डिनरी थर्मोमीटर की शेप का है बट वो होता साइज में लंबा होता है, लेंथ में लंबा होता है वो थर्मोमीटर. उस वो होता किस लिए? वो बॉयलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट नापने के लिए होता है. अब अगर किसी चीज़ को बॉयल कर रहे हैं तो उसको उस थर्मोमीटर को हम उसमें डाल देंगे तो जब जैसे जैसे वो चीज़ गर्म होती रहेगी उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. एक टाइम आएगा जब वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और जिस पॉइंट पे जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल होना स्टार्ट होगा वो उसका बॉयलिंग टेम्परेचर या बॉयलिंग पॉइंट होगा. तो इस तरीके से डिफरेंट थर्मोमीटर्स हम यूज़ करते हैं. जैसे छोटे बेबीज़ के लिए हम नॉर्मली ऑर्डिनरी थर्मोमीटर नहीं यूज़ कर सकते तो उनका स्पेशली डिजिटल थर्मोमीटर आता है जो कि छोटे बेबीज़ का टेम्परेचर यूज़ करने के लिए हम लोग मेजर करने के लिए लोग यूज़ करते हैं. यहाँ पे हम अपना टॉपिक देखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर. मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर यूज़ किस लिए होता है? वेदर पर्पज़ के लिए यूज़ होता है. इसको वेदर नापने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके की है. इसके दो कॉलम होते हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी. एक कॉलम हमारे पास जो है मिनिमम कॉलम, मैक्सिमम कॉलम. मैक्सिमम एज यू नो दैट मैक्सिमम इज़ ज़्यादा. मैक्सिमम हम ज़्यादा को कहते हैं, मिनिमम हम कम को कह रहे हैं. तो मिनिमम में हम वो टेम्परेचर नाप रहे हैं जब टेम्परेचर कम है और मैक्सिमम हमें वो टेम्परेचर बताएगा जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा. जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसमें मर्करी है, ये रेड कलर का आप लोग देख रहे हैं, मर्करी है इसके अंदर जो कि मूवेबल मर्करी है, मूव हो सकता है. जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मर्करी यहाँ पे फैलता जाएगा ऊपर जाने और ये रीडिंग जो है हम नाप लेंगे कि इतना टेम्परेचर बढ़ गया है. और जैसे टेम्परेचर कम होता रहेगा तो ये यहाँ से घटता रहेगा, मर्करी कम होता रहेगा यहाँ से बढ़ता रहेगा तो हम समझेंगे टेम्परेचर जो है कम हो रहा है. इसमें जो है मर्करी यूज़ हो रहा है, इसके दो कॉलम्स हैं, दैट्स कॉल्ड कॉलम 1 और 2 भी कह सकते हैं या ए और बी भी कह सकते हैं. जब जो है टेम्परेचर बढ़ेगा मर्करी जो है फैलेगा, राइज करेगा और जब टेम्परेचर कम होगा मर्करी जो है वापस से बैक की तरफ आएगा. जो हमारे पास अगर हम बात करें हॉट कॉलम की तो वहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, सेम जो है रीडिंग इसी तरीके से है, दोनों बिल्कुल बराबर है. बस रीडिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, प्लस में होगी इसमें माइनस में होगी. तो जिस तरीके तो कुछ उनके तरीके होते हैं जिन्होंने इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ होता है, इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझा हुआ होता है तो वो वेदर को बहुत अच्छे तरीके से नाप सकते हैं, वेदर के टेम्परेचर को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं. इसीलिए महकमा जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है महकमा मौसमियात का. हर कोई नहीं मेजर कर सकता, हर कोई नहीं बता सकता कि आज टेम्परेचर कितना है या आने वाले 2 दिनों में टेम्परेचर कितना हो सकता है. जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि दिसंबर 26 और 27 को जो है सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली, 52 ईयर्स का रिकॉर्ड टूट सकता है. तो इस तरीके से यह हर कोई नहीं नाप सकता, ये उन लोगों की ट्रिक्स होती हैं, उन लोगों को भी पढ़ाया जाता है. जैसे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे डॉक्टर्स हैं उनको बीमारियों के बारे में पढ़ाया जाता है तो हर कोई डायग्नोज नहीं कर सकता. इसी तरीके से वो भी एक स्पेशल टीम होती है, स्पेशल वर्क होता है जो कि हर कोई नहीं कर सकता. तो वेदर टेम्परेचर हम किससे नापते हैं? थर्मोमीटर से, मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर से. और नॉर्मली थर्मोमीटर किस लिए यूज़ होता है? टेम्परेचर मेजर करने के लिए.